बिहार पर है और नौका विहार बताए तो लगातार पर्यटन के मामले में वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान बनाता जा रहा है। जहां पर लोग आने से डरते थे, वहां आज शायद लोग अपने समय बिताने परिवार के साथ यहां पर आते हैं। पीछे अगर हम एक बार दिखाएं तो अब से कुछ ही घंटों बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये जो 3 फ्लोर का क्रूज है वो गोरखपुर के लिए, गोरखपुर वासियों के लिए शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें लगभग 12 करोड़ से ज़्यादा का खर्च आया है। और अगर हम आपको बता दें तो इसमें लगभग 150 से 200 लोगों की क्षमता रहेगी और लगभग आप एक बार में, जहां तक जानकारी अभी तक मिल रही कि एक बार में आप 2 घंटे तक के लिए पैसे खर्च करके और इस ताल में एंजॉय कर सकते हैं। अगर हम इसके अंदर बात करते हैं, इसके अंदर वो सारी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है, सारी चीज़ों का ध्यान रखा है जो यहाँ पर एक पूर्वांचल वासियों के लिए, गोरखपुर वासियों के लिए रखी जा सकती है। अगर हम पीछे दिखाएँ तो तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद होंगे। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर बता दें तो 5-स्टार होटल के रूप में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक होटल को यहाँ से उद्घाटन करेंगे। और यहाँ पर अंतिम तौर पर तैयारियां चल रही हैं तमाम, क्योंकि यहां पर अभी हम आपको बता दें कि कुछ ही देर पहले यहां पर प्रशासन के आला अफसर पहुंचे और तमाम तैयारियों का जायजा लिया है, क्योंकि सूबे के मुखिया यहां मौजूद रहेंगे तो कहीं कोई सेध ना लग पाए, इसको लेकर लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर नज़र आ रहा है। लेकिन हम एक बार बात करें कि जो ये क्रूज है ये गोरखपुर के लिए, कहीं ना कहीं गोरखपुर ही नहीं है, समूचे पूर्वांचल के लिए एक अलग पहचान आगे आकर बनेगा। क्योंकि जहां पर हम मौजूद हैं, ये जगह अब से 7 साल या 10 साल पहले जब मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, तो ये लगातार सांसद के तौर पर इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए सरकारों से कहते थे। लेकिन अब सत्ता की बागडोर खुद सूबे के मुखिया के हाथ में है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, तो अब शायद इस क्षेत्र का विकास उस वैश्विक पटल पर उभर रहा है जो शायद एक पर्यटन के रूप में विकसित हो रहा है। ये क्षेत्रों पर लगातार विकसित करने की कोशिश की जा रही है, लगातार इस पर हम इस क्रूज के मालिक से बात करेंगे, इनसे समझेंगे क्या कुछ यहाँ पे तैयार है। क्या नाम पड़ेगा सर? राजकुमार राय। तो क्या कुछ क्रूज में आपने सुविधाएं रखी हैं और क्या कुछ विशेष रहेगा लोगों के लिए, गोरखपुर के लिए, आसपास क्षेत्रों के लिए? हमने नहीं रखी है सर, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने सब व्यवस्था की है सर। क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी, कुछ व्यवस्थाओं के बारे में? अगर व्यवस्थाएं 150 आदमी की इसमें बैठने की कैपेसिटी है विद क्रू मेंबर, और इंडियन शिपिंग रजिस्टर के मानक के अनुसार जो समुद्र में सारे सुरक्षा के मानक इंडियन शिपिंग रजिस्टर के होते हैं, सारे सुरक्षा के मानक इस जहाज में परिपूर्ण है। अच्छा, सुरक्षा की बात आपने की, सुरक्षा में अगर छोटे बच्चे भी होंगे तो क्या आप इसके लिए आपके साथ गोताखोर की टीम रहेगी या फिर NDRF या SDRF की कोई टीम रहेगी, अगर कोई बच्चा अगर पानी में गिर जाता है तो उसके लिए क्या कुछ आपकी तरफ से विशेषता है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया जी कि जिस प्रकार आपको मैं समझा दूं, जिस प्रकार आप गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम सुने होंगे, गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से कोई ड्राइंग अप्रूव होती है कि क्या घर में खिड़की कहाँ होगा, फायर कहाँ होगा, कैसे आग लगने पे सुरक्षा के सारे मानक जैसे गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ड्राइंग अप्रूव करती है, उसी प्रकार इस जहाज़ की ड्राइंग टोटल इंडियन शिपिंग रजिस्ट्रार ने ड्राइंग बनाई है। 84 ड्राइंग टोटल है। 84 ड्राइंग। अच्छा, आप जो सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, समुद्र में, इससे खतरनाक समुद्र होता है, समुद्र में सुरक्षा के जो मानक होते हैं वो सारे मानक इस पर आप हैं, आप सब कुछ आपको मिलेंगे जी। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ आपने बताया कि इसमें आपने लगभग 3 मंजिला ये पूरा आपका क्रूज है, और इसमें लोगों का टिकट का क्या कुछ रहेगा, क्योंकि पूर्वांचल है, UP है, तो जाहिर सी बात है लोग टिकट के बारे में जानकारी रखेंगे, क्योंकि उन्हें एक बेहतर सुविधाओं के साथ साथ ज़रूरी है कि जेब खर्चे पर भी ख्याल रखें, उसका क्या कुछ आपने निर्णय लिया? टिकट के बारे में आपसे ये बताएंगे कि पहली बात तो यहाँ से बनारस में इससे छोटी जहाज़ चल रही है, बड़ी जहाज़ जो है गोवा, मुंबई, वेस्ट बंगाल, यही चल रही है, विशाखापट्टनम, वहाँ का जाने का टिकट मुझे नहीं लगता है आपका आने जाने का 20,000 से नीचे खर्चा लगेगा जी। तो फिर टिकट की तो बात ना करें तो अच्छा रहेगा। अपने शहर में लोग आनंद लेना चाहेंगे तो चाहेंगे कि कम पैसे में आनंद हो, भाई शहर अपना है तो निश्चित आल वर्ग वालों के लिए और अधिक वर्ग वालों के लिए सबके लिए इसमें टिकट उसको व्यवस्था से रखा गया है कि सभी लोग इस पर यात्रा कर सकते हैं। आपके अंदर खाने पीने की व्यवस्थाओं में क्या वेज नॉनवेज के साथ साथ कुछ ऐसे फूड्स रहेंगे जो लोग आकर्षित हो कि हाँ स्पेशली हम उस फूड के लिए, खाने के लिए, एंजॉय करने के लिए आपके क्रूज पर? देखिए, चूंकि आपको पहले भी बताया मैंने और फिर बता रहा हूँ कि इंडियन शिपिंग रजिस्ट्रार के मानक के अनुसार इसमें गैस या आग का कोई प्रावधान नहीं है, इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट जिसको बोलते हैं उस पर ही सारी कुकिंग इसमें होगी। कुकिंग तो आपने सही बताया सर, लेकिन तो कुकिंग जब तक आग नहीं लगेगा तब तक खाने में स्वाद वो नहीं आ पाएगा, फिर आप स्वाद की बात भी ना करें। यानी आप जो भी सर्व करेंगे वो बाहर से लाकर इसमें सर्व किया जाएगा, आप एक अलग फील पा रहे हैं जी।
पानी में बैठ के अभी नाव ये बात कर रहे हैं, बाइट ले रहे हैं और पानी में फ्लोट कर रही है और वो सिविल जट्टी इसको बोलते हैं, सिविल स्ट्रक्चर बनी हुई है, वो फ्लोट नहीं करेगी, वो भी पानी में है लेकिन ये फ्लोट कर रही है। तो आप एक अलग सेगमेंट में चल रहे हैं, पानी के जहाज पे चल रहे हैं, इसका फील सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए, पर्यटकों के लिए घूमने के लिए व्यवस्था की गई है, हल्का फुल्का डाइट फुल डाइट रखा गया है, वो है अच्छी फूड है, वो डाइट क्या आपके तरफ फूड है? अच्छा अच्छी फूड है, उस चीज़ को अभी आप पब्लिकली नहीं पब्लिकली है जो समुद्र में दिए जाते हैं, अच्छी डाइट जो आप आम रेस्टोरेंट में पाएंगे वो सारी व्यवस्था इसमें रहेगी। तो एक बार क्रूज को दिखाइए, ये क्रूज अब से कुछ घंटे बाद सुबह के मुखिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा औपचारिक रूप से गोरखपुर वासियों के लिए या फिर आसपास के क्षेत्र के वासियों के लिए औपचारिक रूप से उद्घाटन कर दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि इस पर कहीं ना कहीं स्थानीय तौर पर रोजगार की जो जमीन तलाशी गई है, लगभग 200 से ज़्यादा लोगों को यहाँ रोजगार मिलने की इस क्रूज में संभावनाएं भी यहाँ पर जताई जा चुकी है। तो एक बड़ी पहल है, बड़ी कोशिश है उत्तर प्रदेश के मुखिया के द्वारा, और अभी हमने बात किया, इन्होंने बताया भी कि जिस तरीके से क्रूज में वो तमाम ख्याल रखे गए हैं, तमाम सुख सुविधाओं के ख्याल रखे गए हैं, वो ख्याल अब तमाम सरकारी मानकों के हिसाब से, इनके हिसाब से या फिर सरकार के मानक के हिसाब से बेहतर तरीके से उपलब्ध हैं। अभी तैयारियों का अंतिम रूप दिया जा रहा है, अब से कुछ घंटों बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ औपचारिक उद्घाटन करेंगे।